विदेश नीति के मामले में भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसकी नीति अन्य देशों की सीमा में भी सही रास्ते पर है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कनाडा में देखने को मिला है, जहां की ट्रूडो सरकार ऐसे किसी भी जनमत संग्रह को साफ तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया है जो कि भारत की संप्रभुता व अखंडता को चुनौती देता हो या उसके विपरीत जाता हो। जानकारी के मुताबिक अमेरिका स्थित एक अलगाववादी समूह पंजाब 2020 जनमत संग्रह की मांग कर रहा था। इसके तहत उसकी मांग थी कि भारत में सिखों के लिए खालिस्तान नाम की अलग सरजमी दी जाए। विदेशी जमीन से उठ रही ऐसी कोई भी मांग भारत के लिए भविष्य का संकट बन सकती थी, लेकिन कनाडाई सरकार ने ऐसे किसी भी जनमत संग्रह को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं विशेषज्ञ इस जनमत संग्रह को रद्द किए जाने को भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। यह जनमत संग्रह इस साल नवंबर में किए जाने का प्रस्ताव था, इसलिए इसे पंजाब 2020 का नाम दिया जा रहा था। कनाडा के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि कनाडा भारत की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और इसी के साथ अब कनाडा जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगा। खैर, कनाडा ने प्रकरण भले ही समाप्त कर दिया है, लेकिन विदेशी धरती पर भारत के लिए की जा रही इस तरह की गतिविधियां भविष्य की ओर होने वाली साजिश की ओर इशारा करती हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि खालिस्तान के तार कई बार पाकिस्तान से जुड़ते दिखे हैं, पर यहां पर भारत की विदेश नीति जिस तरह से काम कर रही है उससे दुनिया के कई देश समझ चुके हैं कि भारत को नाराज करना अभी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान को लेकर ना तो ज्यादा बोलते कुछ दिखे हैं और ना ही ज्यादा कुछ कहते दिखे हैं। तभी भारत ने जो कनाडा से मुंह फेरा है उसका नतीजा आज तक कनाडा भुगत रहा है। तभी अब कनाडा भी ये समझ चुका है, तभी उसने भारत के पक्ष में एक्शन लेते हुए आतंकी कमर तोड़ डाली है।